jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तलाश अशरफ ज़िया और आज की वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद अली। शायद आप लोग जानते भी हों, UHSMT कैट में इस साल इन्होंने टॉप किया और माशाल्लाह से इनके 193 मार्क्स थे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अली के साथ इन डेप्थ हम एक गाइडेंस वीडियो शूट करें और उनसे जानें कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था ड्यूरिंग MD CAT, बिफोर MD CAT और आफ्टर MD CAT। जरा थोड़ा सा बच्चों को बताना है आपकी जो डेली रूटीन और टाइम टेबल क्या होता था, आप कितना पढ़ते थे, कितना सोते थे। हर बच्चे का ये सवाल होता है जी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या होता है। तो एक टॉपर की जो रूटीन होती है ना, वो सुबह कब उठा, उसने क्या किया, अकेडमी कब की, वापस आके सोया कब, पढ़ा कब, सारा कुछ जो है, रोज का रोज काम करना, क्या करना, सारी रूटीन जो है वो एक होती है बच्चे के लिए, एक समझ लो प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। तो आप जरा अपनी थोड़ी सी रूटीन के बारे में जरा बच्चों को वॉक थ्रू कर दें। तो रूटीन और टाइम टेबल को पहले मैं जनरली कवर करूंगा कि खाना पीना सोना और ये जो बेसिक काम होते हैं नमाज पढ़ना, इनके अलावा मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर टाइम पढ़ूं, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं था, ये तो जाहिर बात है। अब इंसान हूं मैं, रोबोट तो नहीं हूँ कि बिल्कुल ऐसे कर सकूँ। तो मैं मोबाइल भी थोड़ा यूज करता था, तकरीबन मेरी कोशिश होती थी आधे घंटे में मोबाइल छोड़ दूँ, लेकिन वो अक्सर औकात घंटे पे भी चली जाती थी बात। अब बच्चे, मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी अपने अकाउंट के ऊपर, इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर और अपने यूट्यूब चैनल पे भी, तो बच्चे समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। अब मैं आपको चले अपने तरतीब से टाइम टेबल बताता हूँ। मैं सुबह उठता MCAT के हिसाब से बताता हूँ। मैं सुबह फजर टाइम उठता था, फजर से पहले नहीं मेरे से जागा जाता था MCAT में। तो फजर टाइम उठने के बाद नमाज पढ़ी और थोड़ा मतलब फ्रेश होने के बाद आंखें जब खुली, पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसके बाद खाना खाया और कॉलेज चले गए। कॉलेज से आके क्योंकि थकन बहुत ज्यादा हुई होती थी, तो मैं 2 से 3 घंटे सोया करता था, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाता। इससे मैं आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि जब आप किसी कॉलेज वगैरह से या अकेडमी वगैरह से वापिस आए ना, तो उस टाइम फिर डायरेक्ट ना पढ़ने बैठे। उस टाइम मेरा नहीं ख्याल बंदा इतना प्रोडक्टिव होता है, तो मैं तो नहीं पढ़ा करता था, तो उसमें थोड़ा सा आधा घंटा मोबाइल यूज किया और फिर सो गया। सो के उठ के फिर मैं पढ़ा, सो के उठ के फिर मोबाइल नहीं देखना। अगर आपने सो के उठ के मोबाइल को पकड़ लिया तो फिर आपका वो वाला आधा घंटा लगेगा, वो वाला आधा घंटा आपको लगने का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इससे अच्छा कि आप सोने से पहले वाला आधा घंटा लगा लें, वो मोबाइल में बंदा थोड़ा थक भी जाता है, नींद भी इजीली आ जाती है। मेरा ख्याल आपको समझ, ये बच्चों को समझ आएगी ये वाली बात। तो सो के उठ के फिर पढ़े और रात को जब तक काम कर लिया, जब तक मेरी कोशिश रूटीन ये होती थी कि रात को मैं अपने सोफे पे बैठा बैठा ही सो जाता था। इस पे मेरे घर वाले तो मुझे डांटा करते थे, लेकिन मेरे में ये होता था कि मैं जब तक पढ़ पाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं अपना पूरा पोटेंशियल दे रहा हूँ। काम खत्म तो कोई नहीं होता था, ये तो सारी बात है। रोज मतलब बंदा बोले कि मैं कोशिश होती थी कि रोज का काम रोज करूँ, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं आता कि कभी मैं पूरी तसल्ली से सोया हूँ कि हाँ जी आज मेरा काम कंप्लीट हो गया तो अब मैं जाके सो जाता हूँ। नहीं, मेरी उधर ही मुझे जब नींद आती थी तो मैं एक दो आंख ऐसे लगती थी, तो फिर मैं उठ के अपने बेड मेरे साथ ही होता था स्टडी टेबल के, तो मैं फिर वहां पे जाके सो जाता था और सुबह फिर बजे टाइम उठ जाता, तकरीबन रात को 1-2 बज जाते। ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे जो बच्चे पूछते हैं। उसके बाद बच्चों का एक ये भी क्वेश्चन होता है कि आपका टाइम टेबल क्या था। तो टाइम टेबल मेरा यही है कि मेरी कोशिश होती थी कि खाने पीने सोने नमाज पढ़ने, ये चंद जो बेसिक काम होते हैं, इनके अलावा जो भी टाइम हो के लिए मतलब वो सर्व कर दूं। तो ऐसा मैं करना तो चाहता था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो थोड़ा टाइम मेरा मोबाइल पे भी वेस्ट हो जाता था। तो लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि आधे घंटे के अंदर अंदर मैं मोबाइल छोड़ दूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही आधे घंटे में छोड़ देता था, अक्सर कभी इससे ज्यादा भी यूज हो जाता था।